झारखंड विधानसभा में हंगामे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि विपक्ष सुनियोजित साजिश के तहत काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सुखाड़ पर चर्चा से भाग गया। उम्मीद थी कि अच्छे सुझाव आएंगे, लेकिन सरकार को किसानों की चिंता है और वर्षा काल पर भी नजर है, लेकिन विपक्ष को लगता है किसानों की फिक्र ही नहीं है, किसानों की बेहतरी के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। धनबाद में मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने का अभियान शुरू हो गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं का स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र किया जाएगा। उपायुक्त संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीएलओ के घर घर जाकर मतदाताओं से फॉर्म 6 बी ऐप से भरा जा सकता है। कोई भी मतदाता स्व प्रमाणन के साथ स्वयं मतदाता पोर्टल ऐप पर ऑनलाइन फॉर्म 6B भी भर सकता है और UIDAI में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाली OTP का इस्तेमाल कर आधार नंबर को स्व प्रमाणित कर सकता है। मतदाताओं का आधार नंबर सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। झारखंड के क्रांति दूत कहे जाने वाले शहीद शक्तिनाथ महतो की 74वीं जयंती पर तेतुलमारी शक्ति चौक के पास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम शहीद शक्तिनाथ की पुत्री स्थानीय समाजसेवी अंजना देवी अपने परिवार वालों के साथ उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंची। शक्ति चौक पर स्थापित शहीद की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर JMM महिला मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष प्रेमा पांडे, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो उपस्थित रहे। रांची पुलिस ने कालू लामा के नाम से रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बरियातू थाना प्रभारी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में इन्हें दबोचा गया। पूरे मामले का मास्टरमाइंड दीपक कुमार है, जो अजय कुमार के घर कुट्टी देने का काम करता था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मोटी रकम वसूलने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। सिमडेगा में पिछले दिनों हुए लूटपाट के मामले में 4 अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। SP सौरभ कुमार ने बताया कि 16 जुलाई को 2 जगहों पर अपराधियों ने 2 व्यक्तियों से हथियार का भय दिखाकर करीब 1,22,000 लूट लिए थे। मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। SP ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में संजीत बैग, कृष्णा साहू, मुकेश सिंह, विजय खलखो सभी उड़ीसा के रहने वाले हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए जमशेदपुर में स्वाधीनता दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त ने तैयारियों को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं अपना कर्तव्य दिखाएंगे, साथ ही जिला पुलिस के जवान के साथ साथ NCC के जवान भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लोहरदगा औद्योगिक सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र को 40,000 तिरंगा झंडा तैयार करने का बड़ा ऑर्डर मिला है। आगामी 15 अगस्त को आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इन झंडों की आपूर्ति की जाएगी। किसको प्रखंड मुख्यालय के समीप संचालित औद्योगिक सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र की 60 महिलाओं की तरफ से यह तिरंगा तैयार किया जा रहा है, जिसे 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक राज्य के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाएगा।